नमस्कार स्वप्न, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेनबी स्टूडेंट टेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल जेनबी स्टूडेंट टेक पर आपको नई नई जानकारी मिलती रहती है। इसी कड़ी में आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अक्सर आप जब भूले खतौनी खोलते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है एक शब्द है यहाँ, शत्रु संपत्ति। यहाँ एक शब्द आप देखने को पाते हैं, शत्रु संपत्ति। लेकिन आपको शायद ही नहीं मालूम है कि शत्रु संपत्ति होती क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं इसमें संधि विच्छेद करूं तो शत्रु यानी दुश्मन और संपत्ति यानी उसका जो भी संपत्तियां हैं, ये यानी शत्रु संपत्ति यानी जो आपका दुश्मन है उसकी जो संपत्तियां उसे शत्रु संपत्ति कहा गया। तो अब इसको कैसे जानेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यानी शत्रु संपत्ति किसे कहते हैं, शत्रु संपत्ति क्या होती है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको एक पीडीएफ के माध्यम से देता हूँ। अगर मेरे YouTube चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं आपको बताऊं कि शत्रु संपत्ति के बारे में, मैं आपको बताया कि जो शत्रु की संपत्ति यानी जो दुश्मन की संपत्ति हो। अब देखिए, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 यह भारतीय संसद का अधिनियम है जो संरक्षक पर शत्रु संपत्ति के निरंतर निहित होने का प्रावधान देता है। लिखा शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अनुसार शत्रु संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार होगा। पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति संरक्षण एवं पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। उसके बाद पहली बार उन भारतीय नागरिकों को संपत्ति के आधार पर शत्रु की श्रेणी में रखा गया जिनके पूर्वज किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिक रहे हों। यह कानून केवल उनकी संपत्ति को लेकर है और इससे उनकी भारतीय नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। आगे देखें, इसमें बता रहा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को महमूदाबाद के राजा ने अदालत में चुनौती दी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था, किंतु शत्रु संपत्ति संशोधित अध्यादेश 2016 के लागू होने और शत्रु नागरिक की नई परिभाषा के बाद विरासत में मिली ऐसी संपत्तियों पर से भारतीय नागरिकों का मालिकाना हक खत्म हो गया है। यानी अब आप समझ लें कि शत्रु संपत्ति इस तरह से आपके समझ में आएगा। अब इसका संबंध में दे रहा कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 द्वारा भारतीय द्वारा अधिनियमित हुआ, किसके द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। अधिनियमित करने की तिथि 1968 है, पारित करने की तिथि 1968 है। किसके द्वारा पेश किया गया, किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया और संशोधन हुआ 2016 में। इस तरह से आप ये समझ पाए होंगे कि जो शत्रु संपत्ति होती है वो कौन सी संपत्ति होती है। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने साथियों को भी शेयर कर दें ताकि शत्रु संपत्ति की जानकारी आपके साथी को भी हो सके।